दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों सीधे खेत में ही पहुंचे हैं। घर तो मामला बहुत तनातनी का था, बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो गया था दोस्तों। घर पर तो हम ज़्यादा रुक नहीं पाए, भागना पड़ा वहां से, क्योंकि दोस्तों हमारा ऐसा रहा, पहले आपने भी देखा है पापा जी की वीडियो में भी, जय श्री माता जी, ट्यूबवेल का पानी पियेंगे दोस्तों, ताज़ा पानी चल रहा है जी, के जैसे ही हमारा गेहूँ कटता था, हम जो था भूस बांधने की पल्ली, हम क्या ज़्यादातर किसान ऐसे ही करते हैं ये भूस बांधने की पल्ली अपनी साथ ही लाते हैं खेत में। इतने जो है मालिक और जो भी हैं घर पे जाकर ट्रैक्टर में से बुग्गी में गेहूं उतारते हैं, इतने जो है एक आदमी पल्ली चढ़ानी शुरू कर देता है, एक आदमी उसके साथ में बंधवाने लगता है, पल्ली फलाता है, बंधवाता है, एक आदमी चढ़ाता है। तो दोस्तों हमने हमेशा भूस ऐसी ढो लिया, उसी रात में लान कटा, उसी रात में भूस ढो लिया। अब दोस्तों ये जो हमारे यहाँ 800 रुपये बीघा में भूसा ढो रहे हैं किसानों का, ट्रैक्टर भी उन्हीं का, पल्ली भी उन्हीं की, लेबर भी उन्हीं की, डीजल भी उन्हीं का, हमें तो सिर्फ जो है बीघे के हिसाब से पैसे देने हैं। तो दोस्तों दिक्कत यही हुई कि वो जो है एकदम से पब्लिक इतनी जागी, इतनी जागी कि हमारा भी ढो दे, हमारा भी ढो दे, उनके भाव बढ़ गए, लोगों ने पौवे देने शुरू कर दिए, एडवांस पैसे देने शुरू कर दिए, लेबर वो जो है कहीं भी इधर उधर पी के लौट जा, काम मतलब स्लो स्पीड से चल रहा है। तो अब 2 दिन हो गए एक ही किसान के खेत में है वे। अब मैं अपने चक पे से यहाँ से चल रहा हूँ जी, और भूसा पड़ा है जी हमारा, ये इधर इनके गेहूँ भी पड़े हैं, क्योंकि दोस्तों 2 खेतों में ही लान था, अभी कटा नहीं इनका, क्योंकि इनके गन्ने रात ही ख़त्म हुए, अभी मुझे लग रहा है 1 ट्रोली गन्ना और है। तो जी यही है अभी इधर जो है चल रही है कटाई किसानों की, कि कुछ ने अपने आप ही उठा लिया, अंकित भाई ने ज्वार के लिए पलेवा भी कर दी है। तो जी ये चीज़ है, चल रहे हैं जी फटाफट आगे बढ़ते हैं। वहाँ पता लग रहा है कि वहां मोदीपुरम के फार्म के पास में वहां पे जो है लेबर काम कर रही है। मैं पीछे से आ लिया हूं जी, और ये देखें ये फागण का गन्ना बहुत अच्छा, अब का जमाव देखें जी, 0238 वैरायटी का, सारे में नीचे सब दूर तक 38 ही 38 उग रहा है जी, पेड्डी भी देखें, गेहूं में कटाई लग रही है सबके। इधर देखें ये सब नेपियर लगा लिया है जी, किसानों ने आपस में जुटा लिया है थोड़ा थोड़ा, देखें सामने भी नेपियर लग रहा है, और देखें जी इधर ये इधर फार्म आ गया है, सरकारी यूनिवर्सिटी आ गई है, सामने मेट्रो है, फिर ये इधर मोदीपुरम है। अब दोस्तों मुझे ट्रैक्टर दिख रहा है, यहाँ इस चक रोड से चलेंगे, ट्रैक्टर वहाँ है जी वो लग रहा, ये देखो दोस्तों मुझे यहाँ चक रोड पर जाते हुए चाचा मिले हैं जी, चाचा कालू, और जो हमारे गांव के सबसे उम्र दराज बुजुर्ग हैं जी, दिखा दूं दोस्तों, समय का कुछ नहीं पता चलता, पता नहीं ये नहीं आ गया, हम नहीं है, हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो मैं आ लिया। और दोस्तों यहाँ देखो जी कितनी बढ़िया, तो बराबर में गन्ना कमा रखा है, और ये बरसी है जी हमारे यहाँ, ये अकेले किसान हैं जिन्होंने नेपियर के साथ में अभी तक बरसी चला रखी है। तो जी बहुत बढ़िया, तो ये अपने आप ही काट रहे थे, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, तो ये नेपियर भी लगा रखा है, बढ़िया बहुत बढ़िया जी। तो अभी काम कर रहे हैं दोस्तों, आपको जो है हमारे गांव के जो सबसे बुजुर्ग हैं 100 साल के में, ताऊ शीश राम, राम राम जी, ताऊ ठीक हो? अच्छा ठीक का जमाना निकल लिया, अजय नहीं नहीं फिर भी तुम तो बहुत हिम्मत मार रहे, तो पैदल ही आना जाना करो, पैदल ही आओ घर से, पैदल पैदल भी आ जाओ, और नहीं तो वो जामा जी मोदीपुरम, हाँ उसी मोटरसाइकिल में बैठे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, चाचा राम राम, ये हैं जी हमारे चाचा कालू सिंह, और ये हैं जी ताऊ शीश राम। तो जी मतलब जन्म कद का है जी, जन्म कद का, जन्म तो कभी काली नहीं आई थी ये जी, हाँ तो वो तो 100 साल पहले आई थी, 100 साल पहले, अजी नहीं वो तो बहुत दिनों के जब आई थी। अच्छा हाँ, जब वे ओड़े याद है जी? ना ना ना, मेरे कुछ याद नहीं, मैं तो उस टाइम कहाँ था, ये जो तुम मेरे से ये जो तुम बात बता रहे, मेरे मेरे जन्म से 60 साल पहले हैं वे, जो सारे गांव में तू बड़ा था ये तो हुआ भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते रामप्रसाद भी वही बड़ा था। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ताऊ जगबीर से बड़े हैं ये गांव में पूरा, मैं यही बड़ा। और चाचा थारी कितनी उम्र हो रही होगी? 65 मैडम, तो तुम तो जवान पड़े अभी, ये 65 के तो सारे अपने आप को जवान मानना है, और हम बालक हैं
हाँ जी, नहीं नहीं एकदम है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है जी दोनों को, ठीक है जी। अब चलूं मैं भी आगे चलूं उसे लाऊं, आज वो उससे पप्पू की ट्रैक्टर टोली से बात कर रखी है भूस डुवाने की, अब दो दिन से वो लेबर कहीं हुई फिर अपना मनोरंजन कर ले, जाती नहीं खेत लो, अब मैं जाऊं यो इसमें महेश वाले में मंडरे कहीं है, यो बराबर में कौन सा वो रखा बीज, अड़ती सी है अब काटती जम बहुत सोना रहा। तो दोस्तों देखो यही ये चाचा की ट्वेलर, यहाँ से सीध में बिल्कुल ठीक वो हमारा चक्का जी, वो आम का पेड़ चमक रहा श्री माता जी वाला, तो उधर से भी पैदल आके हम इधर से निकल जाते हैं कई बार। 3 साल हमारे इस बाजरे को होली है। अच्छा यो 3 साल से चल रहा, बहुत बढ़िया जी, यो तो चलो ही जा चाचा, और गर्मियों बल्कि जाड्डो में तो यो एक ही कटाई दे, और गर्मियों में तो 5 दे दे यो। यो क्या बार कटी होगी है ना, और तुमने काटी बहुत ही हो, और तुम सही कह रहे हो ये तो पीछे से बहुत बढ़िया। तो यो बीज कहाँ से लाए थे बरसी का? मोदीपुरम से, जैन के से। अच्छा जैन के से आया था यो बीज, तो ये तो बहुत बढ़िया निकला जी, ये तो सारी, ये तो मुझे लगा इसमें सारे जाड्डो कई किसान बुग्गी भर भर ले गए हैं। हाँ फूल नहीं आया, तुम सही कह रहे जी बढ़िया वाली है, और ये तो जमीन में फुलावट आ गई, तो जमीन में जान बैठ गई है, क्योंकि बरसी का सिरसों से भी ज्यादा जानदार मानना जा। तो जी ठीक है जी, राम राम जी, कर लो बात, तुम अपनी मना डिस्टर्ब करा था मैं। तो दोस्तों ये देखो जी, ये हमारे यहाँ के गोल्ड हैं जी, सुनना है जी, गांव की जान है ये देखो। तो ये अब सुबह सुबह जी यहाँ बरसी उर्सी काटी होगी, अब अपना सलाह मशवरा कर रहे, इनको को नोड़ा रहे थे, मंडरे थे खेतों में। दोस्तों ये सारा काम जो है इनका नंगे पैर, और ये मेहनत का काम है, तो इन्होंने ये अपना दिन निकलते पसीना निकाल रहे हैं, रात को सोवे जब भी पसीना काढ़ के अपना नहा धो के फिट हो गया सोवे, तो इनकी होड़ नहीं हो सकती। हाँ इनकी हिरस करके कुछ दिन हम अपना जीवन तो बचा सकें, ये है जी देखो। हम पहले है कि पहले वैसे घोड़े थे, फिर घोड़ा बग गया, अभी इन पर चढ़ के चल रहे, नासी कर रहे, नहीं मैं हिंदा फटाफट पैदल आ के नुआ के नुआ के कर सकूँ तो, पर नहीं आदत खराब है, चलते हैं जी आगे। दोस्तों मैं गा लिया हूँ, और अब मैं आपको अपने गांव का वो रकबा दिखा रहा हूँ, जहाँ पे चक्रोड नहीं है, मतलब रास्ते नहीं है, खेत से खेत में किसान एक दूसरे की मदद से चलते हैं। देखो जी मैं वहाँ से चला था, उस ट्यूबवेल से फिर रास्ता ख़त्म है, यहाँ तक चक्रोड थी फिर ख़त्म है, फिर आगे देखो यहाँ से इस खेत में, इस खेत वाले भाई ने मौका दे रखा है, फिर इस खेत में, फिर उस खेत में, फिर वहाँ से वहाँ, तो इस तरह से वहाँ कुलदीप भाई का चक है जी, वो वहाँ पूरा फार्म 2 मंजिली 12 दिख रही है। अब चलते हैं ट्रैक्टर के पास में। दोस्तों पीछे से फिर मैं आ लिया हूँ, ये खेत अभी ओरिजिनली चल रहे हैं, ये वे टिल्ले हैं जी, जहाँ से हम अंदर अंदर घुसा के उधर पावली के रकबे में से कटड़ा भगा के यहाँ से हम रेत ले जाया करें थे जी बुग्गी भर भर के। ये भी अब जो है धीरे धीरे खेत बनते जा रहे हैं, ये देखें ये तो शायद कुलदीप भाई वाला ही नंबर है, वो पूरा उनका वहाँ तक है बाघ तक रहा है, फिर वहाँ तक है कई सौ बीघे जमीन है जी, यूनिवर्सिटी से लगी हुई। इधर फिर हमारे गाँव वालों के पट्टे हैं, बहुत रकबा है जी कई सौ बीघे का, ट्रैक्टर का काम निमट गया है जी, अब देखते हैं कहीं किसी और का नंबर तो नहीं लगा दिया इन्होंने। यो देखो जी लेबर को बदनाम कर रहा था, लेबर बिल्कुल फिट है, और जबकि मालिक ने खुद सवेरी सवेरी लगा रखी है, लेबर बिल्कुल फिट है, लेबर ने कोई पी नहीं रखी है, लेबर ने पूरी रात भी काम करा जी, लेबर बिल्कुल फिट है, पूरे होशो हवाज में है, लेबर लगातार काम कर रही है। देखो जो हमें मौके पे मिला वो हम देख के बता रहे हैं, बिल्कुल फिट है। नहीं नहीं वो बिल्कुल फिट है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नून नहीं कह सकता किसी को, भाई सुनो देख के ही पता चल जा। रात किस टाइम हटे थे? बस 10 बजे तक का भी काम बहुत है, जब पूरे दिन कर लेना फिर 10 बजे तो भाई चल, तो फिर तो ठोकर लगन लगा है बिल्कुल। तो ये तो हो गया, निमट गया दोस्तों, यहाँ के बाद में लगेगी जी, चलते हैं अभी धीरे धीरे। ट्रोली चल पड़ी है जी, 40 पल्ली ले रहे हैं, थोड़ी बांग तो ओवर ही रखी है, और ट्रैक्टर की आवाज़ देखो जी, ट्रैक्टर बहुत बहुत साफ कंडीशन में था पप्पू का, आवाज़ देखो आज भी 4 सिलेंडर की कितनी बढ़िया है। ये देखें जी चल पड़े हैं धीरे धीरे, अब ये बचा कुचा बुस जो है ये सकेर लेंगे, मेहनत करेंगे साफ करेंगे इसे। अब खेतों में आ लिए हैं जी, और यहाँ जो अंकित भाई के गन्ना बोया जा रहा है। तो दोस्तों कल जैसे ये ठल्ली रहे हमारे शहजादे मिंदर है, इसका छोटा भाई है और बाबा है, इन्होंने दारू पी का पूरा आतंक तारा, फिर इन्हें पुलिस लेगी पकड़ के, फिर ये चंटियाए, फिर ये जो है ग्राम प्रधान ने छुटवाए अंकित प्रधान ने। तो जी ये चीज़ है देखो, ये ठल्ली हुई है तो इन्होंने कांड करा, अभी अंकित भाई के है गन्ना उन्ना बोआंगे छुलवाओगे,
बार बार वो तो है नहीं, मिंदरी मंड रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो दोस्तों यही आप खुद देखो कि काम करने वाला काम में ही ठीक रहता है। अगर हम ही ना उसी दिन रात को जिस दिन हमारा गेहूं गया, आपने देखा था मिंदर आ गया था, अगर उसी दिन हम इन्हें काम में लगा लेते तो ये कांड नहीं होता, इनके कई हजार रुपए बर्बाद नहीं होते जो इन्होंने पीने पानों में इधर उधर खर्च करे। तो चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, अपने पानी देख लेते हैं। आ गए हैं जी हाँ बजरंगबली से। जय बजरंगबली, जय हो नीम बाबा की। पेड्डी में दोस्तों इसमें पानी करना था, लेकिन मोनू के यहाँ भाई के यहाँ गन्ने रह रहे हैं जी, आज का मील का आखिरी दिन बता रहे हैं, तो इसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मोनू भाई के कैसा काम चल रहा है। बाकी दोस्तों जैसे पेड्डी में जल्दी जल्दी दो पानी दे दिए थे, पेड्डी में ठीक फुटेर चल रही है दोस्तों, इसमें हाथ निकालना है। और जैसे मैं दो दिन से खाली घूम रहा हूँ तो मैं इसमें हाथ निकाल देता, लेकिन मेरे हाथ बेकार हुए पड़े थे जी। ये देखो जी, यहाँ से खुरंड बंद रहे थे, आज ठीक है कुछ। ये देखो जी, कुछ आराम है हाथों में। एक बार मोनू भाई के वहाँ चलते हैं। ये देखो जी, मशीन जा रही है। ये देखो जी, टिंकू भाई आ गए हैं अपनी गाड़ी लेकर, किया सोनेट गेहूं कट रहे हैं। अब दोस्तों हमारी लेबर काट के पे टिंकू भाई के यहाँ लग गई थी, और इधर जो है मोनू भाई के गन्ने जा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें पानी चला लेते हैं। पानी चल गया है जी इसमें। अब यहाँ से जो है मोनू भाई के यहाँ से चले चलते हैं। मोनू भाई के ट्यूबवेल पे छोल चली रही है दोस्तों, आज का कल का ही मील बच रहा है। अब दूसरे खेत में पानी चेक कर लेते हैं। ये देखो जी, भूरा भाई वाला कड़ा क्या दाएं दाएं जा रहा, ये जी गन्ने भी डाल रहा और जुताई भी कर रहा। अब अच्छा इसे जो है साइकिल के आगे आगे ले जा रहे हैं। ये जी हमारे गांव का फुल साइज टिकला, काली काली थार है। थार तो ऐसे बिखरी फिरी जा कंचे। दोस्तों पानी चल रहा है जी, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज ये यहीं चल रहा है जी बराबर में। और देखो जैसे इसे नेपियर को यहाँ पानी चला दिया था उस दिन, ये देखो जी कितना बेहतरीन हो गया दोस्तों। फावड़ा ला के इसे दोबारा से यहाँ से पानी दे देंगे थोड़ा थोड़ा, इसकी मुंडेर बना दूंगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा